प्रदेश के हाथरस में खाके के दामन पर एक और दाग लगा है। दरअसल एक दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि कोतवाली सिकंदरा राव की कचोरा पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा और हेड कांस्टेबल की रिश्वत लेते हुए एक वीडियो सामने आई है। पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा व हेड कांस्टेबल की रिश्वत लेता वीडियो फेसबुक पर वायरल हुआ है। इसको अपने फेसबुक पेज पर वायरल करते हुए कर्मयोगी सेवा संघ के अध्यक्ष विवेकशील राघव ने मुख्यमंत्री एवं डीजीपी से शिकायत कर दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। एसपी विनीत जायसवाल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दरोगा व हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। फेसबुक पर वायरल वीडियो में कचोरा पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा से कोई व्यक्ति अपने काम के लिए रुपए देने की पेशकश कर रहा है। उनमें काफी देर तक रुपयों को लेकर बातचीत हुई। इसी दौरान 1,500 रुपए अपने काम के लिए वह व्यक्ति दरोगा को देता है। वीडियो में रुपए देने वाले व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरा वीडियो हेड कांस्टेबल का है। यह वीडियो पुराना बताया जा रहा है। तब दरोगा पूर्व दिल्ली नगर चौकी पर तैनात था। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दरोगा का कहना है कि मारपीट के मामले में एक व्यक्ति को जेल भेजा गया था, जिसमें अपने पक्ष में रिपोर्ट लगाने के लिए यह व्यक्ति रुपए देने आया था, लेकिन मैंने रुपए नहीं लिए थे, उसे वापस कर दिए थे। मामले में हाथरस के पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान लेते हुए दरोगा और हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि वायरल हो रहा वीडियो करीब एक माह पुराना है। मामले पर पुलिस अधीक्षक द्वारा संज्ञान लेते हुए दरोगा व हेड कांस्टेबल को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही की गई है। ठीक है, जा लो के चले जाओ। चला जाओ। ठीक है, अभी दस्तखत कर देंगे। क्या ये करीब पहुंच जाना सर? जाओ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।